फतेहाबाद जिले में वीरवार को फायर ब्रिगेड की सेवाएं राम भरोसे हो गई। गाड़ियों को कार्यालय में छोड़कर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। फायर ब्रिगेड पहले से ही आपातकालीन सेवा है, सिर्फ किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारी आग बुझाने ही जाएंगे, छोटी मोटी घटनाओं पर नहीं। बता दे कि पिछले कुछ महीने से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने अब विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 86 अनुबंधित कर्मचारियों के अलावा 19 नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। दूसरी ओर गेहूं का सीजन तेज हो गया, गेहूं की कटाई का काम जोरों पर है। अगर कहीं आगजनी की घटना हुई तो बिना दमकल गाड़ियों के ही बुझानी पड़ेगी। फतेहाबाद से सतीश खट्टक की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है, किस बाबत हड़ताल में बैठे हैं फायर ब्रिगेड कर्मचारी? हड़ताल पर हम इसलिए बैठे हैं कि जी आज छठा महीना चल रहा है और हमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों के भूख मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है, किताबें लेनी है, उसके लिए पैसे नहीं है। कर्मचारियों के बिजली के मीटर कट गए हैं और ये मांग पे नहीं बैठे हम, हमारा हक है वो मांग रहे हैं, लेकिन फायर अधिकारी जो है वो हमारी मांग नहीं सुन रहा, अनसुनी कर रहा है, इसीलिए मजबूरी बस आके हमें इस दरी पर बैठना पड़ा है। तो आग लग जाती है तो अब जिस तरह से गेहूं कटाई का सीजन है तो फिर आप काम करेंगे? देखिए, कल हमने पहले तो यही फैसला लिया था कि हम दरी पर बैठे हैं और आग लगी चाहे कुछ भी हो हम हमारी हड़ताल के ऊपर रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सभी जो किसान जो है उसकी फसल है, वो सबकी फसल है, हमारा सबका वो अन्न जो है, अगर किसी प्रकार की इस प्रकार जान माल की कोई घटना होती है, हम हड़ताल के ऊपर रहते हुए मदद करेंगे, वो आग बुझाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी भी काम में हम सहयोग नहीं करेंगे। तो पूरे जिले के कर्मचारी हड़ताल में बैठे? बिल्कुल, पूरे जिले के कर्मचारी फतेहाबाद हेडक्वार्टर के ऊपर बैठे हैं। फतेहाबाद के 7 सेंटर हैं पूरे फायर ब्रिगेड के, और 7 सेंटर के 86 कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल के ऊपर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सारण, मैं जिला प्रधान।